क्या हाल है गेमर्स, मैं हूं बोल्ट एंड गाइस पोकेमॉन स्वॉर्ड एपिसोड नंबर 14 में आपसे भाइयों को दोबारा से स्वागत कर रहा हूं। गाइस आज मैं बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहा हूं क्योंकि आज जो सरप्राइजेस आप सभी भाइयों को दिखाना है, मतलब एक एक सरप्राइजेस आप सभी भाइयों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, अच्छे से वीडियो को देखो, बहुत सारे एडवेंचरस चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले हम लोग जाते हैं गाइस हैमरलॉक में, क्योंकि गाइस आज हमें रायहान के साथ बैटल करना है और उससे पहले मैं सरप्राइजेस दिखाने वाला हूँ क्या क्या सरप्राइजेस है। ठीक है, फर्स्ट सरप्राइजेस तो पोकेमॉन है। ठीक है, मैंने कुछ पोकेमॉन पकड़ा है, कुछ मेरे को ट्रेड से मिला है, कुछ मेरे दोस्त से मिला है। ठीक है, एक मेरे दोस्त ने दिया है तो आप सभी भाइयों को दिखाते हैं मेरे ड्रैगन पोकेमॉन्स। ठीक है, ड्रैगन पोकेमॉन से शुरू करेंगे और फिर आप सभी भाइयों को एक एक पोकेमॉन दिखाने वाला, तो लेट्स गो। एक मिनट, पहले इधर से चल लेते हैं, लेट्स गो। एंड गाइस एक और चीज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो, अपने बोल भाई को सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ओके ओके गाइस, तो मैं हैमरलॉक हिल के पास पहुंच चुका हूं एंड अभी आप सभी भाइयों को मैं पहला सरप्राइज दिखाने वाला हूं। ठीक है, पहला सरप्राइज दिखाते हैं। पहला सरप्राइज है, मैं आप सभी भाई को बोलूंगा नहीं, कुछ भी नहीं बोलूंगा, बस आप सभी भाई लोग देखो और खुद से देखो। ठीक है, खुद से देखो और खुद से एंजॉय करो, आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तो चलो प्रेस करते एक्स को और अभी जाते हैं पोकेमॉन्स में। एंड ये देखो गाइज, ये है मेरा न्यू टीम। इसमें गाइज आप लोग देख सकते हो, ये है ड्रैगापॉल। ठीक है, आप लोगों ने बोला था ये एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है, इसको मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसको पकड़ा है। ठीक है, एंड गाइज ये देखो गाइज, ग्राउडन गाइज, ये है ग्राउडन। ये पोकेमॉन गाइज मेरे को ट्रेड से मिला है। ठीक है, ट्रेड से मिला है। एंड गाइज ये है गाइज सेलेमेंस ड्रेटेक गाइज, ये भी मेरे को ट्रेड से ही मिला है गाइज। ये है सिंड्रेस गाइज, लेकिन ये चारिज़ार्ड है और वो भी शाइनी, और ये मेरे को अपने दोस्त से मिला है। ठीक है, अपने दोस्त ने ये दिया है। एंड गाइस देख सकते हो, एक मास्टर बॉल भी हेल्प करा है इस पोकेमॉन ने। एंड गाइस ये लास्टली ये है गाइस लुकारियो। तो गाइस बहुत ही मजेदार होने वाला है आज, बहुत ज्यादा फाइट मजेदार होने वाला है। अभी आप सभी को और भी पोकेमॉन्स दिखाने वाला हूं मेरे पास, और कौन कौन से पोकेमॉन्स है अच्छे से दिखाएंगे। चलो गाइस मजा आने वाला है। ठीक है, एंड गाइस अगर ये पोकेमॉन्स आप लोगों को पसंद आ रहा है तो अपने बोल भाई को दिल से सपोर्ट करना। ठीक है, सो गाइस अभी आप सभी भाइयों को दिखाने वाला हूँ कि मेरे पास कौन कौन से ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। ये देखो नॉइवर्न है और ये रायहान का ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। ठीक है, ड्रोलाडोन है गाइस, ये काफ़ी स्टील ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। एंड एक चीज़ मैं पूछने वाला हूँ, क्या गाइस मुझे इनमें से एक ड्रैगन पोकेमॉन को अपने टीम में ऐड करना चाहिए? गार्डचॉम गाइस, ये देखो गार्डचॉम भी है। एंड गाइस ये मैंने खुद से पकड़ा था। ठीक है, ज्वेलर्स को मैंने खुद से पकड़ा था। लास्ट के एपिसोड में आप लोगों ने शायद से देखा था कैसे मुझे एक ज्वेलर्स मिल गया था, लेकिन वो था 58 लेवल का। एंड गाइस मैंने इसको हेड ड्रैगन क्यों नहीं बनाया, क्योंकि आज बनाने वाला हूं यार। आप सभी भाइयों को दिखाने में बहुत ज़्यादा ऑसम लगता है यार, तो इसको थोड़ी देर के लिए टीम में रख लेते हैं। ठीक है, फिर से सेलेमेंस को ले लेंगे। और गाइस ये देख सकते हो लेवल 1 का ड्राटिनी, ये भी गाइस मेरे को ट्रेड में मिला, इसलिए गाइस ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर आप लोग निंटेंडो स्विच पे खेल रहे हो तो आप लोग आराम से ट्रेडिंग करो, बहुत बढ़िया बढ़िया पोकेमॉन मिल जाएगा। अगर आप लोग आपके दोस्त लोग खेल रहे हैं तो तब तो और ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, बाकी के नॉर्मल पोकेमॉन्स में आप लोग देख सकते हो कौन कौन से है। ये देखो गाइस कोलोसेल है, डिटो, ये तो बहुत पहले ही दिखा दिया था, ये भी मेरे को ट्रेड में मिला था। मिल्क्री पता नहीं ये कैसा पोकेमॉन है। स्टीलिक्स को मैंने कल या आज पकड़ा था, शायद से आज ही पकड़ा था। यस यस यस, डक्सनर आपको पता है। ये सेलाजेल गाइस मैंने इस पोकेमॉन को देखा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये फायर टाइप पोकेमॉन है। ठीक है, चारमेंडर जो कि लेवल 35 का है, लेकिन चारमेंडर अभी चाहिए क्यों, मेरे पास चार्जर्ड है और वो भी शाइनी वाला। लेकिन चार्जर्ड अभी मेरा बात सुनेगा नहीं, बिकॉज ही इज लेवल 100। ठीक है, लेवल 100 का है, लेवल 90 तक ही मेरा पोकेमॉन बात सुनेगा। ठीक है, अभी मैं गाइस रायहान को जैसे ही हराऊंगा फिर मेरा बात सुनेगा चार्जर्ड। ओके, कॉर्विनाइट है और बाकी देख सकते हो। ठीक है, जैपडोस है वहां पे एंड स्टंकैंक है। ये जो चाइनीज कोरियन नाम आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ये सारे के सारे मेरे को ट्रेड में ही मिला है। ठीक है, ये टॉर्कोल मैंने खुद से पकड़ा है, इसको ट्रेड में मिला है। डुब्लेट को मैंने खुद से पकड़ा है, ऑनिक्स को मैंने खुद से पकड़ा है, और बाकी जो जितने भी पोकेमॉन दिखाई दे रहे हैं लैप्रास को मैंने खुद से नहीं पकड़ा है, ट्रेड में मिला है। ठीक है, और हलूचा, एक भाई मेरे को बहुत दिनों से बोल रहे थे कि बोल भाई प्लीज़ हलूचा को अपने टीम में रखो। तो गाइस ये भी आप सभी भाइयों को ही कहना है कि क्या मुझे हलूचा को अपने टीम में रखना चाहिए, अगर रखना चाहिए तो कौन से पोकेमॉन को हटा के रखना चाहिए। ठीक है, ओ एक चीज़ ये देखो गाइस, टॉक्सिसिटी, एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन जो कि फाइनली मेरे को मिला। ठीक है, जो कि फाइनली मेरे को मिला और वो भी गाइस ट्रेड से। ठीक है, ट्रेड से मिला। एंड गाइस अभी आप सभी भाइयों को बोलना पड़ेगा कि टॉक्सिसिटी को किस पोकेमॉन को हटा के टॉक्सिसिटी को रखूं। ठीक है, क्यों, बिकॉज यू गाइस नो कि टॉक्सिसिटी एक कमाल का ऑसम पोकेमॉन है। ठीक है, ऑल राइट गाइस, तो मैं एकदम रेडी हूँ। तो ज्वेलिस को हम लोग अभी हेड्रैगन बनाने वाले हैं। एंड गाइस हेड्रैगन मेरे को काफ़ी पसंद है, बिकॉज आई थिंक हेड्रैगन और एक बार डार्करॉय के बीच फाइट हो गया था, है ना गाइस, हेड्रैगन वर्सेस डार्करॉय हुआ था ना, मैंने किसी एक वीडियो में या फिर मूवी में देखा था गाइस,
आप लोगों को याद दिलाना है, ठीक है? तो चलो गाइस अपने हेड ड्रैगन को बनाते हैं। क्या गाइस, क्या ओह क्या बोल रहा हूँ गाइस, अपने ज्वेलर्स को बनाते हैं हेड ड्रैगन। और गाइस सरप्राइज कैसा लगा गाइस? ओह थोड़ा सा और अरे क्या कर रहा हूँ, एसोल्वेज नहीं ओके और एक बार डेढ़ने से ये हेड ड्रैगन बन जाएगा, बनेगा ना। इसीलिए गाइस मैंने इसको इवॉल्व नहीं करा था ताकि आप सभी भाइयों को दिखाऊं। खुशी होता है ना गाइस, बहुत ज़्यादा खुशी होता है कि हम सभी लोग एक साथ कर रहे हैं वो चीज़। क्या ये क्या बात है भाई, ये हेड ड्रैगन नहीं बनेगा क्या गाइस? क्या ये लेवल कौन से लेवल पे बनता है गाइस? लेवल 56 में नहीं बनता है क्या? कितने लेवल 60 पे बनेगा क्या? चलो गाइस सारा का सारा ऐड कर देते हैं गाइस, देखते हैं कितना तक ये लेवल अप होगा। ठीक है ओके 57 हो गया, अब देखते हैं। अभी भी नहीं बना गाइस, कौन से लेवल पे बनता है गाइस ये? क्या 60 पे बनेगा शायद से? चलो गाइस 60 तक वेट कर लेंगे, तो एक बार पोकेमॉन को स्विच कर ही लेते हैं। ठीक है एक बार पोकेमॉन को स्विच कर ही लेते हैं। अगर ये 60 पे बनेगा तो गाइस आप सभी भाई को थोड़ा सा वेट और कर लेना पड़ेगा। ठीक है तो अपना सेलेमेंस कहाँ पे चला गया यार? ओके ये रहा अपना सेलेमेंस, सेलेमेंस को ले लेते हैं गाइस, सेलेमेंस को ले लेते हैं। ठीक है और ड्रोलाडॉन को मैं ले सकता हूँ, आप लोग कमेंट करना ड्रोलाडॉन को लूँ कि नहीं। ठीक है एंड गाइस पहले जाएंगे पोकेमॉन सेंटर और उसके बाद हम लोग फाइट करेंगे रायहान के साथ। और गाइस उसके बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे मैं आप सभी को बोलूंगा, लेकिन अभी नहीं गाइस, सीक्रेट है गाइस सीक्रेट। ठीक है आराम से पता लगेगा ना गाइस, पहले आप लोग जिम बटार एंजॉय करो, फिर आप लोग को और दुगना एंजॉय करवाएंगे। ठीक है हेलो मैम नटजॉय, प्लीज मेरे सारे के सारे पोकेमॉन्स को रिवाइव करा दीजिए। एंड गाइस आप सभी भाई को एक चीज और बोलना पड़ेगा, क्या मुझे लेजेंडरी पोकेमॉन को अपने टीम में रखना चाहिए? क्योंकि मैंने अभी ग्राउडॉन को रखा है। ठीक है तो इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है इट्स ऑल अप टू यू। आप लोग अगर बोलोगे कि ग्राउडॉन को नहीं रखना है तो मैं नहीं रखूंगा गाइस। तो चलो गाइस अपने साइकिल को निकालते हैं और अभी हम लोग को फाइट करना पड़ेगा रायहान के साथ गाइस। ऑलराइट गाइस यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, एक मिनट गाइस बॉल गाय के साथ बात करके देखते हैं। बॉल गाय क्या बॉल देने वाले हो? थैंक्स फॉर रोलिंग बाय टू हैव अ चैट विथ योर मेट द बॉल गाय। ओके इट लुक्स लाइक यू हैव मैनेज्ड टू लेवल अप योर टीम क्वाइट अ बिट, वेल गेस व्हाट, आई हैव गॉट अ परफेक्ट पोकेबॉल टू सेलिब्रेट द ओकेजन। ओके क्या लेवल बॉल, इससे क्या होता है? पुट द लेवल बॉल इन योर बैग पॉकेट। ओके ए पोकेबॉल दैट मेक्स इट इजियर टू कैच पोकेमॉन दैट आर लोअर लेवल देन योर ओन पोकेमॉन। अच्छा ए लेवल बॉल इज परफेक्ट फॉर हाई लेवल टीम्स, द हायर योर पोकेमॉन लेवल इज कंपेयर्ड टू द ओपोजिंग वाइल्ड। ओके समझ में आ रहा है गाइस। ओके तो गाइस इसके साथ भी बात कर लिया, तो चलो गाइस अभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओके द लॉन्ग जिम चैलेंज इज नियरिंग इट्स एंड आई सी, आर यू रेडी टू फेस हैमरलॉक जिम एंड इट्स लीडर द ड्रैगन यूजर रायहान। तो गाइस ड्रैगन यूजर के साथ फाइट करने वाले, तो यार मजा आने वाला है गाइस, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है गाइस, इसी पल का इंतजार था। एंड गाइस आप सभी भाई को और एक चीज़ आज कमेंट करना है, अगर आप लोग एक पोकेमॉन ट्रेनर होते, अगर गला रीजन के पोकेमॉन ट्रेनर होते तो आप अपने टीम में कौन से 5 पोकेमॉन को अपने साथ रखते हैं, कौन से 6 पोकेमॉन को? ठीक है पूरे टीम में कौन से 6 पोकेमॉन को विदाउट एडिंग एनी लेजेंडरी पोकेमॉन, आप लोगों को कमेंट करना है। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा टीम सबसे बेस्ट है। ठीक है मैं वो पिक करूंगा आप सभी भाइयों का कमेंट एंड मैं शाउट आउट देने वाला हूं। ठीक है ओके गाइस हम लोग आ गए, ये तो रायहान है ब्रो, ये रायहान क्या कर रहा है? लेट्स सी हाउ मेनी जिम चैलेंजर्स आर लेफ्ट, हा नॉट इवन 10। ऑल राइट देन बोल्ड टाइम टू एक्सप्लेन द ग्रेट रायहान जिम मिशन। ओके अच्छा यही एक्सप्लेन करेगा, द रूल्स आर सिंपल। ओके ऑल यू हैव टू डू इज डिफीट 3 जिम ट्रेनर्स दैट आई पर्सनली ट्रेन इन डबल बैरल्स। ओके द जिम चैलेंज इज मेंट टू बी वेल चैलेंजिंग वुडन यू से? ओके नेचुरली देयर आरंट टू मेनी जिम चैलेंजर्स हु कैन मेक इट दिस फार। ओके एंड दैट्स व्हाई आई प्रोवाइड अ फॉर्मेट वेयर यू कैन रियली शो ऑफ द ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन एंड योर पोकेमॉन शुड बी कैपेबल ऑफ। क्या दैट्स प्रॉब्ली मोर देन एनफ आउट ऑफ मी, टाइम फॉर समवन एल्स टू टेक द स्पॉट लाइट, कम ऑन सेबेस्टियन यू विल बी फर्स्ट। ओके गाइस तो एक एक करके मुझे जिम ट्रेनर के साथ बैटल करना पड़ेगा, 3 जिम ट्रेनर्स के साथ बैटल करना पड़ेगा। ओके या दैट्स मी सेबेस्टियन। ओके लीडर रायहान हैज टॉट मी 2 थिंग्स, फर्स्ट दैट ड्रैगन टाइप्स आर फेरोसियसली पावरफुल। हाँ वो तो है भाई, ड्रैगन टाइप पोकेमॉन्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं एंड बहुत सारे भाई लोग को पसंद है ड्रैगन टाइप पोकेमॉन्स। ठीक है सेकेंड आई नीड टू क्रिएट एन एडवांटेज ऑन द बैटल फील्ड टू फुल्ली यूटिलाइज द पावर। ओके तो गाइज ये भी ड्रैगन टाइप पोकेमॉन यूज़ करने वाला है, तो मजा आने वाला है गाइज, देखते हैं तुम कौन कौन से ड्रैगन टाइप पोकेमॉन यूज़ करने वाले हो। वैसे गाइज अभी मेरे टीम में भी बहुत सारे ड्रैगन, ऑलमोस्ट गाइज सारे के सारे ड्रैगन टाइप ही है। अच्छा ये गुड्रा का प्री इवोल्यूशन सेकेंड इवोल्यूशन फॉर्म है शायद से,
पेलीपर को यूज कर रहे। पेलीपर तो ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है नहीं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मेरे तरफ से जा रहा है गाइस सिंड्रेस और कौन गाइस सेलेमेंस, एंड सेलेमेंस बहुत ज्यादा पसंद है गाइस ड्रैगन टाइप, ये ड्रैगन टाइप में मेरे को पसंद है ठीक है। ड्रैगन टाइप के फेवरेट लिस्ट में सेलेमेंस भी एडेड है ठीक है। तो शैडो बॉल यूज करूं, शैडो बॉल किसके ऊपर यूज करूं गाइस? शैडो बॉल यूज करें पेलीपर के ऊपर, और मैं ये यूज करने वाला हूं, आउटरेज यूज करने वाला हूं गाइस। क्या इसके ऊपर क्यों यूज नहीं कर सकता हूं मैं, क्या बात कर रहे हो? जैन हेडबट यूज करना पड़ेगा, लेकिन आउटरेज क्यों यूज नहीं कर सकता हूं गाइस लीगो के ऊपर, पता नहीं क्यों। वन शॉट भाई साहब, वन शॉट बोल दिया यार सेलेमेंस ने। सेलेमेंस यार तुम भी यार वन शॉट बोलते क्लब के मेंबर बन चुके हो यार। सिंड्रेस वांट्स टू लर्न द मूव कोर्ट चेंज, ओके देखते हैं कोर्ट चेंज, फॉरगेट करते हैं, नॉर्मल टाइप मूव है कोर्ट चेंज। क्या करें गाइस, किसी एक अटैक को हटाऊं क्या? पावर देखते हैं पहले, इस पावर यूज विद इट्स मिस्टीरियस पावर द यूजर स्वैप द इफेक्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द फील्ड। नहीं गाइस कोर्ट चेंज नहीं सिखाना है फिर ठीक है, ओके अब देखते हैं पहली पर। ओ सिंड्रेस ने तो अभी तक यूज ही नहीं किया था, ओके सेटअप बॉल यूज कर सिंड्रेस, क्या तुम दे पाओगे वन शॉट? नहीं दे पाया यार वन शॉट, पहली बार वन शॉट नहीं दे पाया। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, मैं तो घोस्ट टाइप मूव यूज कर रहा था ना इसके ऊपर, ओके तो एक काम करते हैं बाउंस नहीं गाइस, इसको ना ब्लेस किक से ही हराएंगे ठीक है। ब्लेस किक से ही पहली पर को हराएंगे, एंड इसके ऊपर जैन हेडबट यूज करते हैं पहली पैर के ऊपर सेलेमेंस लेकर के, ओके तो सेलेमेंस ही हरा देगा शायद से। यस सेलेमेंस ने ही हरा दिया यार, सेलेमेंस ओपी यार, ड्रैगन टाइप पोकेमॉन सही में बहुत ज्यादा ओपी होते हैं यार। ओके देख सकते हो लुकारियो ग्रो टू लेवल 77, बाप रे गाइस लुकारियो पे बहुत फास्ट तरीके से गाइस ग्रो हो रहा है ठीक है। ओके यू डिफीटेड जिम ट्रेनर सेबेस्टियन, ओके doubles there's lot to think about with them, it makes them difficult but fun too, okay you got 4324 winning, bahut sara paisa mil raha hai guys, okay I can see why you have managed to make it this far, okay hame in teeno ke teeno trainers ko harana padega theek hai, maine pehla trainer ko to hara diya, dusre trainer ke baadi time to face the second trainer, come on camila, okay to dekhte hain camila kaun se wale dragon type pokemon ko use karne wali hai, theek hai use karo camila, कैमिला क्या हुआ? ओ तो एक काम करते गाइस, मुझे थोड़ा सा टाइम दे रहा है तो इस बार मैं सेलेमेंस को नहीं भेजने वाला हूँ, क्योंकि डबल टाइप जिम बैटल हो रहा है ना, इस बार मैं सेलेमेंस को स्वैप करके मैं किसको ग्राउडन को लाते हैं, ओके ग्राउडन को लाते हैं इस बार, मजा आने वाला है गाइस, आप लोग एक लेजेंडरी बैटल देखने वाले हो यहाँ पे। इन डबल बैटल्स इट्स इंपॉर्टेंट फिगर आउट व्हाट रोल ईच ऑफ योर पोकेमॉन प्ले, ओके गाइस मैंने एक चीज देखा है नहीं कि ग्राउडन के पास कौन कौन से मूव है, मेरे को मिला ट्रेड से डायरेक्ट मैं आप सभी भाइयों को फिर दिखा दिया मतलब। ओके गाइस वहां पे एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है ये जो पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, लेकिन उसका नाम मैं भूल गया ठीक है, लेकिन बहुत पावरफुल ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है ये मेरे को पता है। ओके और टूर्नेटोर, यस यस टूर्नेटोर था इसका नाम, ओके ओके और यहाँ पे नाइनटेल्स है। तो गाइस एक काम करते हैं, पायरोबॉल यूज करते हैं गाइस ट्रूनाटोर के ऊपर, ओके एंड मैं यहाँ पे नहीं आर्टक्वैक यूज नहीं करेंगे, अरे यार इसके पास ड्रैगन टाइप मूव है ही नहीं, अरे यार गलत ही सीन हो गया गाइस, बहुत गलत सीन हो गया। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, ड्रैगन टाइप मूव सिखा देंगे ठीक है, सिखा देंगे। अगर ग्राउडन के पास से अगर ड्रैगन टाइप मूव नहीं होगा तो कैसे होगा ना गाइस, ओके पायरोबॉल से इसको डैमेज तो दिया, लेकिन गाइस ये लोग ड्रैगन टाइप पोकेमॉन से तो डैमेज सह लिया इसने, देख सकते हो बाप रे गाइस, ये अकेला पोकेमॉन हम दोनों को डैमेज दे रहा है ठीक है। मैंने हमर आर्म यूज करा नाइन टेल्स के ऊपर, वन शॉट बोल्टे भाई ग्राउडन के हाथ में, अगर ग्राउडन के हाथ से हैमर आर्म यूज करेगा तो कौन सा पोकेमॉन फेंट नहीं होगा आप लोग बोलो गाइस ग्राउडन कितना बड़ा पोकेमॉन है और वो एक लेजेंडरी पोकेमॉन है तो यार ऑब्वियसली ना, ओके अब इसको हराना है बस, इसको तो मैं आराम से हरा देता अगर ग्राउडन के पास कोई मतलब ये मूव होता ड्रैगन टाइप मूव, लेकिन ग्राउडन के पास अभी ड्रैगन टाइप मूव है ही नहीं। तो एक काम करते हैं, आर्टक्वेक तो भूल से भी यूज़ नहीं करूँगा, लावा प्ल्यूम ही यूज़ करते हैं। नहीं नहीं लावा प्ल्यूम यूज़ करेंगे तब भी इफेक्ट पड़ेगा गाइस मेरे पे ठीक है। ओके ब्लेस किक से शायद से मैं इसको हरा ही दूंगा, ओ नहीं हरा पा रहा हूँ यार, ये टूर्नेटर लेवल 45 का है, लेकिन ये देखो हमारा
हेमा हराम से ये भी गया गाइस। ओके तो कैमिला को भी हमने हरा दिया गाइस, दूसरे ट्रेनर को भी हमने हरा ही दिया फाइनली। ओके यू डिफीटेड जिम ट्रेनर कैमिला। ओके द वेदर इज फिकल, विक्रेन डिफीट आर इवन मोर फिकल। ओके यू गॉट 4324 विनिंग। ओके फैंटास्टिक, आई कैन सी दोस 7 जिम बैजेस यू हैव वेयर, वेल अर्नड। ओके तो अभी लास्ट ट्रेनर होने वाली है, तो आइए आइए आइए। यू हैव मेड इट टू द थर्ड एंड लास्ट ट्रेनर, यू आर योर मोमेंट टू शाइन आर्या। ओके आर्या शायद से बहुत ही शक्तिशाली ड्रैगन टाइप पोकेमॉन यूज करने वाली है, तो मजा आने वाला है गाइस। ठीक है ओके चलो गाइस बैटल करते हैं। एंड मैंने एक चीज़ तो देखा ही नहीं कि मेरे ड्रैगापॉल को कौन कौन से अटैक आते हैं यार, शायद से इसको भी कोई ड्रैगन टाइप मूव नहीं आता होगा, पता नहीं गाइस। ड्रैगन टाइप मूव मेरे को ही सिखाना पड़ेगा गाइस, लेकिन मेरे पास ड्रैगन टाइप टीएम है ही नहीं, खरीदना पड़ेगा गाइस, आराम से खरीद सकते। ओके ओके एबोमा स्नो और ये पोकेमॉन मैं पहचानता हूँ गाइस, एक मिनट इस पोकेमॉन का इसका एक फाइनल इवोल्यूशन फॉर्म भी है इस वाले ड्रैगन टाइप पोकेमॉन का, ठीक है, लेकिन नाम मैं भूल चुका हूँ। ओके गाइस ये हकामुको है एंड इसका फाइनल इवोल्यूशन फॉर्म का नाम है गाइस कोमो, कोमो करके ही था। अब देखते हैं गाइस सुपर इफेक्टिव यूज करके, ये तो एबोमा स्नो के ऊपर यूज करूंगा, एबोमा स्नो को फटका पड़ेगा। लुकारियो अभी फ्लेम थ्रोअर यूज करने वाला है एबोमा स्नो के ऊपर। एंड एक मिनट गाइस मैंने पहला मूव मतलब वो ड्रैगपोल के पास ड्रैगन टाइप मूव है ही नहीं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, मैं रॉक स्लाइड यूज करूंगा इन दोनों के ऊपर, दोनों को फर्क पड़ने वाला है बिकॉज ड्रैगन टाइप आर वीक अगेंस्ट रॉक एज वेल, आप सबको ये पता है। ठीक है एबोमा स्नो तो गया भाई, लुकारियो जब हमला करता है तो जाएगा ही ब्रो बिकॉज ये ऑलरेडी वन शॉट बोल्टे मेंबर का क्लब बोल रहा हूँ गाइस, मेंबर है गाइस। ओके अब देखते हैं रॉक स्लाइड से इसको कितना फर्क पड़ने वाला है, पड़ेगा ब्रो पड़ेगा। ओ यही मार रहा है क्या, ओ इसको इतना फर्क क्यों नहीं पड़ा गाइस, ड्रैगन टाइप तो एक मिनट गाइस ड्रैगन टाइप और वीक अगेंस्ट रॉक ना, रॉक आइस फेरी, लेकिन रॉक टाइप से इसको इतना फर्क क्यों नहीं पड़ा फिर गाइस, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, रॉक टाइप वीकनेस नहीं है क्या। ओके चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो एक काम करते मैं अभी स्कैल्ड यूज करने वाला हूँ, ठीक है हकामुको के ऊपर, और लुकारियो का कौन सा वाला अटैक यूज करूँ, लुकारियो का ना रॉक स्लाइड नहीं, लुकारियो का ऑरा स्पीयर यूज करते हैं, लुकारियो का सबसे पावरफुल मूव, ठीक है। ओके मैं स्कैल्ड यूज करा इसके ऊपर, अब देखते हैं स्कैल्ड से ही, ओ स्कैल्ड से ही गया गाइस, ये स्कैल्ड से ही हार गया गाइस, मजा आ गया लेकिन है मजा आ गया। अब गाइस रायहान के साथ बैटल करने का मौका मिलेगा, एंड गाइस रायहान के साथ ना मुझे शायद से सेलेमेंस को भेजना चाहिए ना, क्योंकि उसके पास आउटरेज है, अगर ड्रैगन टाइप मूव यूज करूंगा तब फायदा होने वाला है, क्योंकि अभी जैसे कि देख सकते हो मेरे तो गाइस ड्रैगापॉल को भी ड्रैगन टाइप मूव नहीं आता, ग्राउडॉन को भी नहीं आता ड्रैगन टाइप मूव, ठीक है। ओके नाइस वन बोल्ड, यू हैव कंप्लीटेड माय जिम मिशन, ओके कम ऑन टाइम टू हेड टू द जिम स्टेडियम, यू हैव अर्न द राइट टू फेस मी योरसेल्फ। ओके तो गाइस अभी फाइट होने वाला है, एक बार देख लेते हैं मेरे पोकेमॉन का हेल्थ कंडीशन देख लेते हैं। ओके गाइस मुझे थोड़ा सा सुपर पोशन ऊपर पोशन एक बार यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। ओके पोशन पोशन सुपर पोशन ये रहा। ओके और एक बार अब लुकारियो के ऊपर यूज करने वाला हूँ, यस अब ग्राउडॉन के ऊपर यूज करने वाला हूँ फटाक से। ओके और एक काम करेंगे ड्रैगापॉल को, चलो ड्रैगापॉल को ही भेजते हैं, नंबर वन पोकेमॉन उसको ही भेजेंगे, ठीक है। ओके गाइस मैं जिम स्टेडियम पे एंटर हो चुका हूँ, रायहान भी आ चुका है। ओके मजा आने वाला है गाइस, ये फाइनल जिम बैटल होने वाला है, इसके बाद गाइस चैंपियन ट्रॉफी के लिए हम लोग फाइट करेंगे। फाइनली एंड चैलेंजर मेड इट, आई हैव बीन वेटिंग फॉर समवन टू बैटल, दो आई हैव गॉट टू एडमिट आई डिडंट थिंक इट वुड बी यू, बट आई गेस आई शुड हैव एक्सपेक्टेड नो लेस फ्रॉम ए पोकेमॉन ट्रेनर दैट लियोन सॉ प्रॉमिस इन, एंड यू एम टू डिफीट लियोन, डू यू हैव एनी आइडिया जस्ट हाउ हाई ए हर्डल दैट इज। ये बोल रहा है कि लियोन को डिफीट करना कोई मामूली बात तो नहीं है, कितना बड़ा हर्डल है तुमको ये चीज़ पता है। हाँ मुझे पता है यार, लियोन तो यार गलारीजन का चैंपियन है यार, एज इज ग्रेटेस्ट राइवल आई गेस दैट रायहान विल हैव टू शो यू। ओके रायहान भी कम नहीं है गाइस, काफ़ी शक्तिशाली पोकेमॉन है। जिम लीडर रायहान डजंट सिंपली कंट्रोल द वेदर, ही ऑल्सो सिक्स टू ऑन टू बैटल्स, यू मस्ट बी प्रिपेयर फॉर एनी सिचुएशन अगेंस्ट ए फो लाइक हिम। ओके तो ये भी शायद से टू ऑन टू बैटल ही करने वाला है गाइस, ये भी शायद से टू ऑन टू बैटल ही करने वाला है, तो देखते हैं गाइस क्या होता है सीन, ठीक है। ओके चैलेंज बाय जिम लीडर रायहान, ओके
सो ओ फ्लाइगन और गिगालिट गाइस, फ्लाइगन और गिगालिट, ओके ओके ओके, फ्लाइगन मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, फ्लाइगन को पकड़ना पड़ेगा गाइस, ठीक है, फ्लाइगन को पकड़ेंगे, ठीक है, मेरे को उस दिन दिखा था एक फ्लाइगन वाइल्ड एरिया में। गिगालिट तो ग्राउंड रॉक टाइप पोकेमॉन है ना, ग्राउंड रॉक टाइप ही था शायद से, यस। तो गाइस गिगालिट को तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है अभी, लुकारियो से मैं अभी ऑरा स्पीयर यूज़ करने को बोलूँगा लुकारियो को, डायनामिक्स अभी क्यों यूज़ करेंगे ब्रो, गिगालिट को इससे भी फर्क पड़ेगा, स्केल से भी फर्क पड़ेगा, तो क्या करें गाइस। गिगालिट के ऊपर, ओके गिगालिट के ऊपर मैंने स्केल यूज़ करा, ठीक है, और लुकारियो से मैं यूज़ करने वाला हूँ, ऑरास्पर यूज़ करूँ क्या, चलो ऑरास्पर यूज़ करते हैं फ्लाइगॉन के ऊपर, ठीक है, देखते हैं गाइस लुकारियो कितना शक्तिशाली है, ठीक है, ओके स्केल से तो ये तो गया गाइस, ओ नहीं गया यार, ओ भाई रायहन ने प्रूफ कर दिया कि वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, अब देखते हैं लुकारियो वन शॉट बोल पाएगा, लुकारियो एज ऑलवेज वन शॉट बोलते, वन शॉट बोलते लुकारियो यार, मेरा पोकेमॉन है गाइस, मेरा खुद का पोकेमॉन ना कि ट्रेड वाला, ठीक है, ओके ओ वैसे गाइस ड्रैगापॉल भी मेरा ही पोकेमॉन है लेकिन इसको कुछ ड्रैगन टाइप मूव नहीं आता है, ठीक है, सिखाना पड़ेगा इसको, ओके सांडा कुंडा को भेज रहा है गाइस, देख सकते हो सांडा कुंडा आ गया है, मेरे पास भी एक सांडा कुंडा है, ओके तो अब तो दोनों ही एक सांडा कुंडा ग्राउंड, हाँ सांडा कुंडा ग्राउंड है, स्केल यूज़ करेंगे गाइस सांडा कुंडा के ऊपर, और लुकारियो से मैं यूज़ करूँगा ओरास्पेयर यूज़ करते, इस बार गिगालिट के ऊपर ओरास्पेयर यूज़ करेंगे, और गिगालिट तो हार ही जाएगा शायद से, सांडा कुंडा देखते हैं गाइस, वन शॉट बोल दिया यार ड्रैगपॉल, यू आर ऑफिशियली मेंबर ऑफ वन शॉट बोल्टे क्लब, अभी ये भी आ गया है गाइस वन शॉट बोल्टे क्लब में, ठीक है, ये इसी ने भी वन शॉट बोला तो ऑब्वियसली गाइस ये आ गया है, ओके ओरास्पेयर यूज़ कर रहा हूँ, गिगालिट तो इस बार तो जाएगा ब्रो, लुकारियो तो एक ही फटके में हरा देता है ब्रो, ओके अब गाइस मैं पोकेमॉन स्विच करने वाला हूँ क्योंकि सिंड्रेस को मैं भेजने वाला हूँ गाइस, मेरा सबसे पहला और सबसे फेवरेट पोकेमॉन गाइस, क्योंकि उसी के साथ मैंने ये पोकेमॉन स्वॉर्ड वाला जर्नी शुरू किया था ना गाइस, वो ना होता तो मुझे इतने पोकेमॉन्स भी नहीं मिलते, मुझे जिम बैजेस भी नहीं मिलता, और सिंड्रेस ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करा था, ठीक है, ड्रूलाडोन, अरे ड्रूलाडोन तो अभी आ गया यार, इसका जो मेन पोकेमॉन ड्रूलाडोन अभी आ गया, ओके ओ इसके पास एक ही पोकेमॉन है गाइस, ये डायनामिक्स करने वाला है, ओ वेट गाइस मैं अभी चेंज भी नहीं कर पाऊंगा क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस डायनामिक्स कराएंगे ना ब्रो, डायनामिक्स कराएंगे, क्या कराऊं गाइस, लुकारियो को डायनामिक्स कराऊं कि किसको कराऊं गाइस, ड्रैगापॉल को मेगा इवॉल्व नहीं कराते हैं, एक काम करते हैं ड्रैगापॉल से मैं यूज़ करवाऊंगा फ्लेम थ्रोअर, ठीक है ड्रूलाडोन के ऊपर, और लुकारियो को अभी मैं मेगा इवॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है लुकारियो को अभी मेगा इवोल्यूशन फॉर्म देखना है यार, और मैक्स क्वैक यूज़ करने वाला हूँ, मैक्स क्वैक यूज़ करूँगा ड्रूलाडोन के ऊपर, और इसको फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, लुकारियो प्रूफ कर देगा कि वो सही में एक ऑरा पोकेमॉन है, ओके जाओ लुकारियो दिखा दो तुम क्या चीज़ हो, एंड गाइस ये तो अभी जाइगेंटा मैक्स करेगा, ठीक है इसका ड्रूलाडोन जाइगेंटा मैक्स होगा, और कैसा होगा देखने में मज़ा आएगा गाइस, देखते हैं इसका जाइगेंटा मैक्स फॉर्म, ओके लुकारियो आ गया है गाइस जैसे कि देख सकते हो, ओके अब मजा आने वाला, ब्रिंग द स्टॉर्म माय पार्टनर विल सेंड एवरीवन इन द स्टेडियम फ्लाइंग, ओके 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 भेजो भेजो, देख सकते हो सेल्फी ले रहा है यार, ये सेल्फी ले रहा था आप लोगों ने देखा ना, ओके गाइस ओ पी बोलते, ये तो एकदम बिल्डिंग का जैसा लग रहा है ब्रो, बुर्ज खलीफा जैसा लग रहा है ब्रो, ये बिल्डिंग है क्या, ओ भाई ये जाइगेंटा मैक्स फॉर्म तो इसका कतई बहुत ज्यादा अलग है, ठीक है तो फ्लेम थ्रो यूज करा, ओ फ्लेम थ्रो से इसको इतना डैमेज पड़ा क्या, अब तो ये गया गाइस ऑरा स्पीयर, ओ नहीं मैक्स क्वैक यूज करा था, गया ड्रूलाडोन गया, ये लुकारियो पी इट्स सुपर इफेक्टिव, ड्रूलाडोन को मैंने चांस ही नहीं दिया ब्रो, चांस ही नहीं दिया ब्रो, ओके गाइस यू डिफीटेड जिम लीडर रायहान, ओके देख सकते हम लोग कितना खुश हैं, और रायहान अभी क्या बोलेगा देखते हैं, वाह रायहान बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में, आई माइट हैव लॉस्ट बट आई स्टिल लुक गुड, मे बी आई शुड स्नैप ए क्विक सेल्फी, यू गॉट 7684 विनिंग, ठीक है गाइस फाइनली हमको मिल चुका है अपना आठवां बैच, नंबर 8 बैच इन द aftermath ऑफ द फ्यूरियस बैटल, ओके आई फील एज प्योर एंड रिफ्रेश when द sky clears after storm. What can I possibly say? Calling myself Leon's rival seems I would grow quite conceited for someone, okay, who can't even claim the title of champion. Overconfident in both myself and my team. I will give you what you want. Then the proof of your victory, the Dragon Badge. Guys, mil chuka hai humko Dragon Badge, guys. Mil chuka hai humko Dragon Badge.
ऐड हो चुका है एंड फाइनली गाइस ये बैजेस सारे कंप्लीट हो चुके हैं गाइस। यस एंड गाइस यही तो सुनना था मेरे को, यू कैन नाउ कैच पोकेमॉन ऑफ एनी लेवल, यू हैव कलेक्टेड ऑल ऑफ द जिम बैजेस फ्रॉम द गलार रीजन, नाउ विन योर वे थ्रू द सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स फॉर योर चांस टू चैलेंज लियोन। यू मस्ट, यू ओ अस दैट मच एट लीस्ट फॉर बीटिंग अस इन बैटल एवरी टुडे। तो गाइस ये तो था पहला सरप्राइज कि हमें पोकेमॉन्स मिले, अच्छे अच्छे पोकेमॉन्स मिला मेरे को, ठीक है, ग्राउडन वगैरह, ठीक है। और गाइस अभी एक कमाल का चीज दिखाने वाला हूँ, ठीक है, कुछ टीएम भी मिलने वाला है शायद से, ओके, नहीं कोई आया, ओ रायहान आया है गाइस, सॉरी टू होल्ड यू अप बट देयर वाज समथिंग आई फॉरगॉट, ओके। फर्स्ट ऑफ एज अ साइन ऑफ माय रेस्पेक्ट टीएम 1998 कॉन्सर्ट ब्रेकिंग स्वाइप, ओके ब्रेकिंग स्वाइप मिला गाइस मुझे, ऑलराइट। नंबर 7 चैलेंजर बोल, यू हैव कंप्लीटेड द जिम चैलेंज, गुड ऑन यू किड, नाउ प्रूव योर स्ट्रेंथ टू द होल रीजन एट द चैंपियन कप। हाँ गाइस चैंपियन कप जाने वाले रायहान, आई एम हियर टू सी जस्ट हाउ गुड यू आर। ओ हॉब भी आ चुका है गाइस, पियर्स को इसने हरा दिया, डियर योर लियोन्स लिटिल ब्रदर, डोंट वरी आई विल गिव यू अ बैटल दैट विल मेक यू वांट टू क्विट द जिम चैलेंज ऑल टुगेदर, ओके। आई हैव ट्राइड आउट लॉट्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजीज एंड आई हैव मेड अप माई माइंड अबाउट हाउ आई वॉन्ट टू बैटल, आई एम नॉट गोना लूज, आई एम गोना बीट यू एंड बोल्ट एंड इवन ली। यही तो ना था बड़ी, ये अभी बोल रहा है कि मैं ली को भी हराऊंगा। आई विल बी सीइंग यू बोल्ट, लेट्स हैव अनदर एपिक बैटल समडे, इफ यू आर फीलिंग अप टू इट यू माइट वांट टू गो ट्रेन हार्ड इन द वाइल्ड एरिया। गाइस आज वाइल्ड एरिया जाएंगे, लेकिन ऐसा एक स्पेशल वाइल्ड एरिया जाएंगे कि आप लोग यार नाचोगे, ठीक है। तो गाइस मैं आ गया हूं जिम के बाहर एंड देख सकते हो यहां पे सोनिया और सोनिया की ग्रैनी है। हे डियर बोल्ट, यू गेव रायहान ए गुड थ्रेशिंग एंड दैट मींस यू हैव कंप्लीटेड जिम चैलेंज, कांग्रेचुलेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, ओके। आई रियली विश वी कुड गो सेलिब्रेट बट आई थिंक देयर सम थिंग्स वी शुड टॉक ओवर, ओके। That light that covered Hammerlock, it was just like the darkest day where it said the giant Pokemon went on rampage and almost destroyed the entire Galar region, okay? It certainly seems to be that way, my dear. As you know, we Dynamax our Pokemon today using the energy from Wishing Stars that have fallen to us, okay? But we still don't know how to fully control the energy behind Dynamaxing or how the two heroes managed to do so, okay? In fact, we are not even really sure who or what the two heroes actually were. The legendary sword and shield, okay? Sonia, my dearest, my lab coat is yours now. Oh, Sonia ko lab coat mil chuka. Matlab, officially, guys, wo pura scientific lab hi mil chuka. Matlab, lab owner ho chuki hai, theek hai, Sonia? Are you sure, Granny? I still haven't finished the work you had assigned me. Ye matlab shock ho gayi hai, theek hai? Think of this as something to help you finish that work, okay? तो गाइस देख सकते हो सोनिया तो एकदम अभी प्रोफेसर सोनिया बन गए, प्रोफेसर सोनिया गाइस, ये द टू हीरोज दैट प्रोटेक्टेड द गलार रीजन फ्रॉम द डार्केस्ट डे एंड द लेजेंड ऑफ द स्वॉर्ड एंड शील्ड यू जस्ट मेंशन, इट्स अप टू यू टू फिगर आउट द ट्रूथ बिहाइंड इट ऑल, ओके। आई नो ग्रैंड, अब I will do what I can. You and Hop could be the one to take down Leon, and I don't want to miss that. Not to worry, you can count on me to take care of everything. You just focus on getting to Windon. Go on, head to the station. Or you'll miss your train, guys. आज हम लोग लेकिन Windon नहीं जाएंगे. आज हम लोग ऐसे एक जगह में जाएंगे जो कि आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे. और वो जगह दिखाऊंगा. सबर करो मेरे प्यारे पोकी फैंस. सबर करो, guys. आप सभी भाइयों के लिए ही सरप्राइजेस है, ठीक है? आप सभी भाई लोग को दिखा के मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होता है, तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि दिन ब दिन आप लोग को सरप्राइजेस दिखाऊं, ठीक है? जब गाइस ब्रिलियंट डायमंड आएगा तब तो और सरप्राइजेस आएगा ब्रो, ओके। तो सारे के सारे अभी ठीक होगा एंड गाइस अभी हम लोग शाइनी चैरिज़ार्ड को यूज कर पाएंगे। ए फ्यू मिनट्स लेटर, ओके गाइस हम लोग वेज हर्ट्स पहुंच चुके हैं एंड गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन पे। एक मिनट, ट्रेन स्टेशन तो, अरे क्या कर रहा हूँ यार, ट्रेन स्टेशन है इस तरफ एंड गाइस अभी आप लोग को पता चलने वाला है कि वो सरप्राइज क्या होने वाला है, ठीक है? बहुत सारे भाई लोगों ने शायद से गैस कर ही लिया होगा, तो मैं बोल ही देता हूँ गाइस। अच्छा देखो देखो, वेयर डू लाइक टू गो टुडे, देख सकते हो गाइस, आर्मर स्टेशन, क्राउन टुंड्रा, नेवर माइंड। गाइस हम लोग आज जाने वाले हैं क्राउन टुंड्रा या फिर आर्मर ऑफ इजल स्टेशन में जाऊँ, क्या कहते हो गाइस, कौन से वाले, क्राउन टुंड्रा? ठीक है, एक काम करते हैं, अक्कर बक्कर बम्बे बो 80-90 पूरे 100 क्राउन टुंड्रा स्टेशन ही चलते हैं। चलो गाइस क्राउन टुंड्रा स्टेशन ही चलते हैं और देखते हैं। ओके गाइस हम लोग एक कंप्लीटली डिफरेंट जगह में जा रहे हैं गाइस, क्राउन टुंड्रा में, जो कि आप लोग मेरे को बहुत दिनों से बोल रहे थे, ठीक है? तो ये है क्राउन टुंड्रा का लोकेशन, ओके यही है शायद से,
ओके गाइज हम लोग क्राउन द क्राउन टुंड्रा देख सकते हो गाइज द क्राउन टुंड्रा ओके ओह वाओ गाइज ये क्या क्राउन टुंड्रा तो एकदम बर्फीला जगह है ब्रदर मजा आने वाला है यार अब क्या हो गया ओके गाइज ओ ये कौन है दिस मस्ट बी योर फर्स्ट विजिट टू क्राउन टुंड्रा एम आई राइट डेफिनेटली यार आज फर्स्ट विजिट है अपने भाई लोग के साथ आया हूँ पूरा टोली लेकर के आई एम रिसर्चिंग पोकेमन बायोलॉजी अराउंड हियर ए नंबर ऑफ एंशिएंट एंड रेयर पोकेमन हैव बीन स्पॉटेड इन द क्राउन टुंड्रा यू सी यहाँ पे क्या बहुत सारे रेयर पोकेमन है क्या ओ गाइज यहाँ पे तो मेरे को जारूद वारूद सब कुछ मिलने वाला है ब्रो एंड गैलारियन आर्डिकोनो गैलारियन मोल्ड्रेस वो सब कहाँ पे मिलने वाला है गाइज आप लोग कमेंट करके मेरे को बताइएगा ठीक है If I update your Pokédex for you, will you help me research what species appear? अच्छा गाइस यहाँ पे Pokédex भी अपडेट करना होता है क्या अच्छा Pokédex has been updated, okay. Oh, the Crown Tundra Pokédex has been updated. The Crown Tundra, मतलब यहाँ पे सारे के सारे Crown Tundra Pokémon हम लोग को देखने को मिलेगा तो मतलब यहाँ पे बहुत ही अलग किस्म के हम लोग को Pokémon देखने को मिलेगा ठीक है तो लेट्स क्या बैठना नहीं है ब्रदर ओके गाइज हम लोग आ चुके ओह वाओ गाइज दिस प्लेस इज ब्यूटिफुल ब्रदर एंड यहाँ पे कितने लेवल्स के पोकेमन मिलने वाला आई डोंट नो एंड गाइस अभी तो हम कुछ भी पोकेमन को पकड़ सकते हैं एनी लेवल पोकेमन को पकड़ सकते हैं मतलब फिर पकड़ के उनको मतलब यूज भी कर पाएंगे लेवल अप टू 100 तक अरे मजा आने वाला है कम ऑन डैड ले ऑफ एंड क्विट फॉलोइंग मी ऑलरेडी ये कौन है क्राउन टुंड्रा में एक अलग ही स्टोरी है क्या ओ ये तो गाइस एक जिम लीडर है ना आई थिंक गाइस ये जिम लीडर है गाइस मैं इसको पहचानता हूँ गाइस आई एम गोना गो ऑन अ डायनामिक्स एडवेंचर इन द मैक्स लेयर एंड आई डोंट नीड योर ब्रीडिंग डाउन इसका बियॉन या बियॉन था ना बियॉन था कुछ करके इसका नाम ठीक है जिम लीडर है लेकिन ये गाइस मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आई एम हियर टू बैटल लोड्स एंड लोड्स ऑफ रेयर डायनामिक्स पोकेमन डोंट यू फ्रेट ओके आई न्यू समवेयर वे मोर फन देन दैट मस्टी ओल्ड प्लेस ओके तो मतलब ये जो डटर है पापा को बोल रहे हैं कि पापा मैं इस एरिया को फुल एक्सप्लोर करना चाहता हूँ मुझे डायनामिक्स वायनामिक्स पोकेमन पकड़ना है ठीक है फिर पापा बोल रहे हैं कि मुझे और एक जगह पता है जहाँ पे हम दोनों बाप बेटी एंजॉय कर सकते हैं मतलब कैंपिंग वैम्पिंग बैठा गया ठीक है गेट रेडी फॉर लोड्स ऑफ क्वालिटी टाइम विद द कूलेस्ट दैट एवर ओके व्हाट अ जेनरस एंड टोटली अनवांटेड ऑफर फ्रेड आई हैव गॉट टू से नो थैंक्स पता नहीं गाइस शायद से अभी मुझे पास में जाना पड़ेगा क्या ओके चलते हैं पास में गया कुछ हो रहा है कम ऑन निया बी रीजनेबल और गेट रेडी टू बी अल्ट्रा मेगा एम्ब्रेस ओके एंड अनलीज द नोबेल रोर ऑफ दैट ओके आई विल टेक ए हार्ड पास ऑन दैट थैंक्स ओके तो बैटल करना पड़ेगा शायद से किसको किसके साथ एक्सक्यूज मी हेलो यस यू द बॉय ओवर हियर ओके माई डैड इज स्टबॉर्न एंड स्टिल एंड ही वोंट लीव मी अलोन बैक मी अप उड़ियो एंड गाइस जहां तक मुझे पता ना इस वाले जिम लीडर के पास एक आर्गन भी था अगर वो वाला जिम ट्रेनर है तो डेफिनेटली गाइस इसके पास आर्गन तो होगा ही ठीक है ब्रिलियंट हैव अ ग्रेट टाइम विद दिस ग्रिजर्ड एंड बियान था ना इसका नाम Can't say I approve of you butting in blindly, but if I give you a trotchin, this young lady, you're ought to see reason, okay? Peony nahi tha, guys. Peony tha. Yes, brace yourself. I'm pretty ferocious in battle, okay? Dekhte hain, guys. You're challenged by Pokemon trainer. Yahan pe Pokemon trainer aa raha hai, shayad se. Lekin, guys, ye gym leader hai, guys. Aap log dekh sakte ho. Oh, upar ja, guys. Upar ja aa gaya hai, guys. मैं ड्रैगापॉल को भेज रहा हूँ गाइस देखते हैं Aren't you the brave one picking a fight with one time gym leader? मैंने बोला था ना गाइस ये जिम लीडर है तो गाइस कूपरजा कौन से टाइप का पोकेमन हो सकता है गाइस फ्लेम थ्रो यूज करो क्या इसके ऊपर चलो गाइस फ्लेम थ्रो यूज करके देखते हैं ये साइकिक है कि ग्राउंड है कि क्या है गाइस मुझे इसका टाइप नहीं पता ओ सुपर इफेक्टिव व्हाट कौन से टाइप का है फिर कौन से टाइप का है वो अरे ग्रास टाइप का तो ग्रास है क्या ग्रास साइकिक है क्या प्लेयर ऑफ यूज करा ओ माय गॉड गाइस इसने भी मेरे को फटका दिया ब्रो बहुत ज्यादा फटका दिया इसने ओके इसके बाद गाइस हम लोग चार्जर यूज करने वाले हैं मजा आने वाला है ना ओके गाइस इसके ऊपर फिर से यूज करते हैं फ्लेम थ्रोअर इसको हराते हैं कूपरजा को हराते हैं चलो ड्रैगापॉल कम ऑन ये गया गाइस गया एंड एक चीज आपको पता है ड्रैगापॉल के ऊपर आप लोग देख सकते हो दो ड्रिपी घुसे हुए हैं ठीक है दो ड्रिपी घुसे हुए हैं ड्रैगापॉल के ऊपर ओके तो ड्रैगापॉल इज बफ्टेड बाय हेल ड्रैगापॉल को भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा लेकिन ओ गाइस एग्रॉन को भेज रहे हैं मैंने बोला था ना गाइस इसके पास एग्रॉन है तो स्विच करते हैं गाइस कौन आने वाला है आप सभी भाइयों का सबसे फेवरेट पोकेमॉन आने वाला है गाइस और वो कौन है गाइस चारिज़ार्ड और वो भी एक शाइनी वाला गो चारिज़ार्ड बहुत दिनों के बाद चारिज़ार्ड को देख रहा हूँ यार अरे वाह एकदम चमक रहा है ब्रो ओके स्टील स्टफ एज दे कम द मोर हिट इट्स टेक द मोर अल्ट्रा मेगा डिटरमाइन इट गेट्स ओके
पोकेमन ट्रेनर पियोनी सेना और अग्रॉन। अग्रॉन भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली पोकेमन है गाइस। राइडॉन के बाद अगर मुझे कोई ऐसा वाला पोकेमन जो मतलब बड़ा वाला पोकेमन पसंद है तो वो अग्रॉन है गाइस। एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पसंद करता था इसको, ठीक है। तो इसके पास ओ अच्छे खासे ही है, स्टील टाइप है ना, फायर ब्लास्ट यूज करेंगे एक ही फटके में उड़ा देंगे ब्रो। देखते हैं चार्जर तुम वन शॉट बोल पाओगे, डेफिनेटली वन शॉट बोल पाएगा। वो नहीं पाया, नहीं पाया क्योंकि एग्रॉन के स्टडी ने इसको रोक दिया ब्रो। लेकिन ओ ये तो ऊपर से कुछ खा भी रहा है, रिकवर बेरी खा रहा है शायद से, कुछ तो बेरी होगा ये। ओ रिकवर कर लिया इसने गाइस, वन शॉट बोल ही दिया था, लेकिन गाइस इसका स्टर्डीनेस ने, व्हाट द हेल आई हैव सीन गाइस, इट्स सुपर इफेक्टिव गाइस। रॉक टाइप मूव यूज कर दिया ना, अरे भाई अरे भाई अरे भाई, चारी चट को हरा दिया गाइस। गाइस क्या हो गया ये, चलो सिंड्रेस को भेजते हैं। सिंड्रेस को आज मैंने भेजा ही नहीं, तो जाओ सिंड्रेस जाओ। अरे यार चारी चट को हरा दिया यार। अरे चलो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, इसके ऊपर यूज करते ब्लेस किक और एग्रॉन को इस बार उड़ाते हैं। सिंड्रेस को आराम से हरा देगा यार। यस गाइस सिंड्रेस हरा दिया गाइस, मजा आ गया। लेकिन चार्जर्ड को भाई एक ही फटके में बोल सकते हो ब्रो, फिर हेल का फटका लगा और वो फेंट हो गया, ठीक है। फिर वन शॉट ही दिया ना एग्रॉन ने भी यार, 63 पहुंच चुका है गाइस सिंड्रेस। चैंपियन कप से पहले मुझे सिंड्रेस को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा, एटलीस्ट 75-6 तक तो लेकर के जाएंगे। 11,200 फॉर विनिंग, बहुत सारा पैसा दिया यार इसने, रायहन से भी ज़्यादा पैसा दिया इसने। गा लुक एट मी टेकिंग ए थ्रेशिंग फॉर ए यंग स्टार लाइक यू। इसका डॉटर कहाँ गया, लेकिन क्या हो गया, ओ माई डार्लिंग डॉटर्स डिसअपीयर्ड, वेयर यू हैव गॉन माई स्वीट निया, भाग चुकी है डार्लिंग डॉटर। हाँ आर यू, एक मिनट ये पूछना, आर यू श्योर स्वीट इज द वर्ड, ओके ऑफ कोर्स माई निया इज द स्वीटेस्ट डार्लिंग एज डॉटर ए डैड कुड आस्क फॉर, ओके। आई बॉट हर आउट हियर सो वी कुड हैव अ प्रॉपर फादर डॉटर ट्रिप, फर्स्ट वन इन एजेस। बट क्या करें यार, सभी को पोकेमॉन ट्रेनर बनना है, अच्छा पोकेमॉन ट्रेनर, जितना वो लोग घूमेंगे वाइल्ड में उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगी ना वो। And now that we have got here, she grabs the first trainer she finds, makes them a decoy and legs it. That's my dear Nia for you, okay? That's just her backward way of showing her papa she loves him. Must be puchne, chalo. That's the type of girl she is. Ultra mega charming, isn't it? Yes. Still without her, I can't start this adventure of legendary spots. I have planned for legendary spots, matlab. She mentions waiting to have a gender at some place called a Max Lair, didn't she? Max Lair? पता नहीं गाइस, ये सब कुछ हम लोग को जानने का मौका मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। साउंड्स टू मी लाइक शी वांट्स गुड ओल्ड पापा टू चेज आफ्टर हर, वेल शी डिडन वरी, ओके। आई एम नॉट वन फॉर वेस्टिंग टाइम, ओके, व्हिच मींस इट्स टाइम आई गॉट ए मूव ऑन। चीयर्स फॉर द फाइनल बैटल, आई विल बी सीइंग यू देन लेट, टेक केयर ऑफ दो स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ऑफ ईयर्स, ओके। तो ये तो चला गया है, अब देखते हैं गाइस यहाँ पे कौन कौन से हम लोग को पोकेमॉन मिलने वाले हैं। देखते हैं गाइस, फिंगर्स क्रॉस, ओके। व्हाट, ओह नो गाइस, ओह आते ही एक बहुत ही ऑसम पोकेमॉन दिखाई दिया गाइस, देख सकते हो गाइस, अमोरा है गाइस। अमोरा काफ़ी रेयर पोकेमॉन होते हैं, ठीक है, मतलब पोकेमॉन क्लासिक सीरीज में तो यही दिखाया था कि अमोरा एक काफ़ी रेयर पोकेमॉन। 61 लेवल का है, अरे वाह यार। अमोरा के ऊपर अभी क्या यूज़ करें, फ्लेम थ्रोअर यूज़ करूँगा तो अमोरा तो हार ही जाएगा। स्केल यूज़ करते हैं गाइस, ओह ऊपर से ड्रैगापोल का तो हेल है ही नहीं, स्केल से तो डायरेक्ट ही हार गया ब्रो, इट्स सुपर इफेक्टिव। आइस टाइप पोकेमॉन के ऊपर क्या वाटर टाइप मूव्स इफेक्टिव पड़ते हैं क्या, ओके गाइस। ड्रटक ग्रू टू लेवल 71, सेलेमेंस ग्रू टू लेवल 71, ओके ओके गाइस। वहां पे ना, यहाँ पे अल्टेरी, ओ यहाँ पे जिंक्स है, यहाँ पे ओ वाओ गाइस, ओ एमोरा फिर से आ गया, एमोरा को पकड़ लेते हैं गाइस। एमोरा मेरे पास था नहीं, एमोरा चाहिए ब्रो, एमोरा चाहिए, एमोरा चाहिए। इस बार कौन सा वाला मूव यूज करो यार, ओके तो इस बार यूज करते हैं गाइस फ्लेम थ्रोअर, नहीं फ्लेम थ्रोअर यूज करते हैं, चलो फ्लेम थ्रोअर से इफेक्टिव दिखा रहा है तो इतना डैमेज नहीं पड़ेगा इसको, देखते हैं। हाँ इतना डैमेज नहीं पड़ा गाइस। तो गाइस एमोरा के आइस टाइप पोकेमॉन नहीं है क्या, आइस टाइप्स अगर होता तो इसको तो फ्लेम थ्रोअर से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता। एमोरा ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है क्या गाइस, आई थिंक वाटर कुछ था एमोरा, ओके इसको मैं पकड़ पाऊंगा अभी, एमोरा को पकड़ पाएंगे ब्रो, यस आराम से पकड़ पाएंगे ब्रदर। ओह नो ये हाइपर बीम है ना, अरे यार हाइपर बीम यूज कर डाला यार, ओपी बोलते यार, ओपी बोलते यार। पकड़ना तो बनता है ब्रो, अब तो पकड़ेंगे ही ब्रो, अब तो पकड़ेंगे इसको, ओके रन नहीं यूज नेक्स्ट पोकेमॉन, और यस ग्राउडन को ही भेज देंगे, चलो आ जाओ ग्राउडन। आ गया गाइस ग्राउडन,
अब अमेरिका को डायरेक्ट पकड़ेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे अचानक से रोशनी क्यों बढ़ गया पता है? क्योंकि यहाँ पे ग्राउडन है, ठीक है। जहाँ पे ग्राउडन है वहाँ पे तो हीट होगा ही ना ब्रदर। ओके, पोकीबॉल ही फेंकते हैं। चलो पोकीबॉल से अगर पकड़ सकता हूँ तो बहुत बढ़िया। मैंने ना बहुत दिन से पोकीबॉल यूज़ नहीं करा है, मैंने नेट बॉल यूज़ करा है, प्रीमियर बॉल, अल्ट्रा बॉल, ये देखो गाइस, क्योंकि पोकीबॉल से आजकल मैं पोकेमॉन को पकड़ ही नहीं सकता हूँ यार। ओके गाइस, तो प्रीमियर बॉल ही यूज़ करते हैं। चलो प्रीमियर बॉल ही यूज़ करते हैं। यस, वन टू कम ऑन, थ्री कम ऑन, यस हो गया। यस 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 यस, मजा आ गया ब्रो, मजा आ गया। हमने अमोरा को पकड़ लिया। अभी इसका टाइप देखेंगे, पहले अमोरा का टाइप देखेंगे, ठीक है। वाटर तो होगा, डेफिनेटली वाटर टाइप होगा। रॉक आइस, रॉक आइस थी यार ये। फिर अगर रॉक आइस, ओ इसीलिए शायद से इतना फर्क नहीं पड़ा। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, अमोरा को हमने पकड़ लिया। अभी और भी ज्यादा पोकेमॉन को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। और यहाँ पे स्पेशल टाइप पोकेमॉन भी मिल सकते हैं, तो देखते हैं। और यहाँ पे एक पोकेमॉन है ना, ये यहाँ पे एक स्पेशल पोकेमॉन मिलने वाला है, देखते हैं ये कौन सा वाला स्पेशल पोकेमॉन है। ओ नहीं, माइम जूनियर को नहीं पकड़ना है, लेकिन माइम जूनियर को नहीं पकड़ने वाला है। क्या गाइस मुझे यहाँ पे गैलाडियन आर्टिकुनो मिलने वाला है? अगर गैलाडियन आर्टिकुनो यहाँ पे मिल जाते तब तो बहुत बढ़िया होगा ना गाइस। तो एक काम करते, चलो गैलाडियन आर्टिकुनो को ही ढूंढते हैं आज। ओके गाइस, ओके मुझे जाना है। क्या हो गया अब क्या हो गया? सामने की तरफ कुछ तो दिखाई दे रहा है। ओ यहाँ पर डेड है, पियो नहीं। आह, दिस मस्ट बी द मैक्सलर डेट निया वॉज टॉकिंग अबाउट। ओके, विच मीन्स माई डार्लिंग डॉटर इज इन डेयर राइट नाउ हैविंग ए गिगल विथ सम रियर डायनामिक्स पोकेमॉन। ओके, तो पियोनी ने मेरे को देख लिया। हेम, ओ इट्स यू अगेन, वेल किड, मे बी यू ऑट टू कम एज वेल। ओके, तो हाँ हम भी जाएंगे यार। राइट, जस्ट यू होल्ड ऑन निया माई डियर, हियर कम्स पापा। तो गाइस यहाँ पे क्या मेरे को गैलाडियन आर्टिकुनो मिलने वाला है गाइस? अगर मिल जाता तब तो बहुत बढ़िया होगा। ओके, कौन सा वाला रास्ता था, कौन सा वाला रास्ता था? ओ एक मिनट गाइस, वहां पे जाने से पहले ना मैं एक काम करूंगा, वहां पे एक मिनट। ये ओह गाइस, मेमो स्वाइन मिल चुका है गाइस, देख सकते हो गाइस, मेमो स्वाइन मिल चुका है। मेमो स्वाइन को पकड़ लेंगे, ठीक है। लुकारियो बहुत ज्यादा खुश महसूस कर रहा है शायद से, इसलिए इतना हिलता डुलता रहा है, ठीक है, हिल डुल रहा है एक्चुअली। ओके, तो मेमो स्वाइन के ऊपर साइकिक यूज करूंगा। साइकिक अगर यूज करूंगा लुकारियो को लेकर के तो शायद से ये फेंट ही हो जाएगा, आई डोंट नो गाइस। फेंट बंद करा देना प्लीज। ओके, नहीं हुआ फेंट। अर्थक्वेक यूज कर, लुकारियो को तो फटका बहुत ज्यादा पड़ने वाला है ब्रो। अरे अरे, हरा दिया ब्रदर, हरा दिया ब्रो। मेमो स्वाइन ओपी इन द कमेंट सेक्शन गाइस, मेमो स्वाइन ओपी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, यूज नेक्स्ट पोकेमॉन। ग्राउडन को ही भेजते हैं, अभी तो फाइट नहीं करना है ना। ओके, जाओ ग्राउडन जाओ। आ गया गाइस ग्राउडन मैदान में। अभी मेमो स्वाइन को भी पकड़ने वाला हूं। आज ये मेरा दूसरा डेयर पोकेमॉन होने वाला है, ठीक है, देख सकते हो गाइस। जैसे ग्राउडन आता है तुरंत रोशनी आ ही जाता है। तो प्रीमियर बॉल ही दोबारा से यूज करते हैं, देखते हैं। इसका तो हेल्थ ऑलरेडी लो है, प्रीमियर बॉल से इसको पकड़ पाएंगे क्या नहीं, देखते हैं एक ही बार में। वन, नहीं हुआ, नहीं हुआ गाइस। ट्रेस यूज कर रहा है ग्राउडन के ऊपर, देखते हैं ट्रेस से कितना फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ा उतना भी नहीं, ठीक है। तो काम करते हैं। नहीं, हैमर आर्म यूज करने में डर लग रहा है अभी तो। अर्थक्वेक यूज करूंगा तभी ये हार जाएगा, लावा प्लूम यूज करूंगा तभी भी ये हार जाएगा, क्योंकि गाइस ये तो एक आइस टाइप पोकेमॉन है ना। और एक काम करते हैं गाइस, ग्रेट बॉल ही फेंकते हैं इसके ऊपर। चलो ग्रेट बॉल फेंकते हैं गाइस। आ जाओ यार मेमो स्वाइन, मुझे खोना नहीं है तुमको यार। अरे नहीं यार, नहीं यार, ट्रैस यूज कर रहा है दोबारा से गाइस। इस बार मैं अल्ट्रा बॉल फेंकने वाला हूँ इसके ऊपर, फिर देखते हैं। नहीं तो गाइस मुझे अटैक करना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। और अटैक करूंगा तो डेफिनेटली गाइस ये हारेगा, वो तो एकदम पक्का वाला बात है, ठीक है। ओके, अल्ट्रा बॉल यूज करूँ, मेरे पास ज़्यादा तो अल्ट्रा बॉल्स हैं नहीं, तो एक मैंने फेंका इसके ऊपर, अब देखते हैं। वन टू थ्री, अल्ट्रा बॉल से आई थिंक आ ही जाएगा। यस गाइस, अल्ट्रा बॉल से आ जाता है गाइस। अल्ट्रा बॉल का जो कैचिंग रेट होता है वो बहुत, आई थिंक कितना परसेंट, 65-70 था आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है गाइस। एबोमा स्नो है मेरे पास गाइस, एबोमा स्नो है इसलिए इसको नहीं पकड़ रहा हूँ। ये भी है मेरे पास, ये पीलो स्वाइन भी है मेरे पास, देख सकते हो टाउन में। ओ वेट अ सेकंड गाइस, यहाँ पे एक पोकेमॉन है, जैसे कि देख सकते हो ये कौन सा पोकेमॉन है। इट्स अ स्टेचू ऑफ ए पोकेमॉन बट समहाउ इट फील्स एज इफ इट्स मिसिंग समथिंग। ओके, यहाँ पे पोकेमॉन सेंटर नहीं है क्या गाइस? हम लोग घर को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन आज नहीं, ठीक है। आज तो पोकेमॉन को पकड़ने का मिशन चल रहा है ना गाइस, तो आज सिर्फ पोकेमॉन पकड़ेंगे, फिर हम लोग
कल एक एक घर को आप सभी भाइयों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ है गाइस, यू फाइंड ए पेयर ऑफ वाइज ग्लासेस। ओके, अपना साइकिल निकाल लेते हैं ना गाइस, साइकिल है तो पैडल क्यों जाएंगे ब्रो। बहुत दिनों के बाद एक निडो रैन देख रहा हूँ गाइस, निडो रिनो है ये गाइस। ओके 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 गाइस, यहाँ पे देख सकते हो निडो रीना है। ओके आज तो फुल एक्सप्लोर करेंगे बॉस। वाओ, क्यों नहीं पकड़ेंगे लिफियन को? अगर सामने अगर एक लिफियन घूमता रहेगा तो उसको क्यों नहीं पकड़ेंगे ब्रो? पकड़ेंगे। ग्राउडन जाओ, लेकिन ग्राउडन प्लीज फेंट मत करा देना, ठीक है। फेंट मत करा देना, लिफियन को पकड़ लेंगे, ठीक है। ओके लेवल 63 का है, गुड। हाँ हैमर आर्म ही यूज करते, लेकिन प्लीज फेंट मत करा देना, ठीक है। ओ अवॉइड कर दिया यार ग्राउडन के हैमर अटैक को। अरे वाह, क्या डैमेज दे रहा है लिफियन, सुपर इफेक्टिव मूव यूज कर रहे हैं। हैमर आर्म और एक बार यूज करते हैं, चलो इस बार तो लगेगा ना। यस इस बार लगेगा गाइस, वो लगा, इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन गाइस इस बार इतना फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। ग्राउडन को हरा देगा लगता है ये लिफियन। आ गया ग्राउडन, गया गाइस ग्राउडन गया है गाइस। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके हम लोग अभी यूज नेक्स्ट पोकेमॉन करने वाले हैं, ड्रैटेक को भेजने वाले हैं, आई मीन अपने सेलेमेंस को। जाओ सेलेमेंस, अब मैं यूज करने वाला हूँ इसके ऊपर एक कमजोर वाला अटैक, ठीक है। ओके इसके ऊपर यूज क्या करें गाइस, जैन हेडबट यूज करना, कर तो दिया लेकिन जैन हेडबट से इसको कितना फर्क पड़ेगा अब। ओके ठीक ठाक बहुत बढ़िया, ठीक है आप इसको पकड़ पाएंगे, ठीक है। लिफियन फ्रिंच हो गया तो आराम से, अल्ट्रा बॉल नहीं ब्रो, इस बार अल्ट्रा बॉल वेस्ट नहीं करेंगे गाइस। मेरे को एक लेवल बॉल भी मिला था, वो यूज करते, ये रहा लेवल बॉल, तो देखते हैं गाइस। लेवल बॉल से तो बोला गया था कि हम लोग अपने से कम लेवल वाले पोकेमॉन को पकड़ सकते हैं, आप देखते हैं। लेट्स सी, 2 3 कम ऑन, आई थिंक हो गया ना, आई थिंक हो गया गाइस। यस ओके, लेवल बॉल भी ओपी है। ओ गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस, निडो किंग और निडो क्वीन। पानी में कौन कौन से पोकेमॉन है, विशी है ना वो, विशी नहीं गाइस। व्हाट द हेल आई एम सीइंग गाइस, ये तो एरोडैक्टिल है ब्रदर। आजा 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 आजा, एरोडैक्टिल भी मिलेगा अभी। आजा 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 एरोडैक्टिल, आजा यार टीम में, आजा आजा जल्दी आजा, क्या कर रहे हैं भाई। अरे ओके आ गया गाइस एरोडैक्टिल। ये भाई देखा, मेमो स्वाइन, फिर ये कौन सा अरोरा था ना, अमोरा, फिर गाइस लिफियन, अब गाइस एरोडैक्टिल। अब आप लोग ही बोलो गाइस, मेरा लक कितना अच्छा है आज, 65 लेवल का है। फ्लेम थ्रोअर यूज कर सकते हैं गाइस, ये तो रॉक पोकेमॉन है ना, इसको इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। एजिलिटी यूज कर रहे हैं ये। ओके लेकिन पकड़ने का है, ठीक है, एरोडैक्टिल को पकड़ने का है। ओके यूज करो फ्लेम थ्रोअर, यूज। अरे इसको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा गाइस। चलो एक काम करते हैं गाइस, जैन हेडबट यूज करना पड़ेगा, साइकिक टाइप मूव। स्टोन एज यूज करें मेरे ऊपर, फटका तो पड़ेगा ब्रो, सुपर इफेक्टिव। यस ये देखो गाइस, ड्रैगन टाइप को रॉक से तो फर्क पड़ रहा है, लेकिन उस टाइम उस वाले पोकेमॉन को क्यों नहीं हुआ था यार, स्लीगो को। ओके इसको मैंने अच्छा खासा डैमेज दे दिया। अब गाइस एक काम करते हैं, प्रीमियर बॉल से एक बार देखते हैं, फिर गाइस हम लोग ग्रेट बॉल फेंकने वाले हैं, देखते हैं प्रीमियर बॉल से आएगा कि नहीं। 1 2 कमान, 3 कमान, आ गया गाइस। और इसी के साथ मैंने थोड़ा सा पानी भी पी लिया। ओके आ गया गाइस। गाइस मुझे यहाँ पे एक घर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बोला गया कि रिलैक्स कर सकते हैं, देखते हैं यहाँ पे अगर रिलैक्स हो जाता है तब तो बहुत बढ़िया होगा। रिलैक्सिंग प्लेस बोला है, मतलब रिलैक्स कर सकते हैं। इट्स कोल्ड आउटसाइड डियर, व्हाई नॉट स्टे ए व्हाइल एंड गेट वार्म अप। ओके ओए व्हाट, ये क्या आप देख रहा हूँ गाइस, ये तो सोलगेलियो का जो एकदम प्री इवोल्यूशन फॉर्म है, कॉस्मोग है यार। कॉस्मोग यहाँ पे कैसे घूम रहे हैं गाइस, ये तो एक सुपर लेजेंडरी टाइप पोकेमॉन है। यहाँ पे मेरे को कॉस्मोग वॉस्मोग सब कुछ मिलने वाला है क्या भाई? अगर कॉस्मोग वॉस्मोग ऐसे ही मिल जाता है इस गेम में तो बल्ले बल्ले थे शाबा शाबा ब्रो। तो यहाँ पे रेस्ट वेस्ट करने का कोई जगह है क्या, कोई जगह दे दो यार। ओके कहीं पे तो आए हैं हम। ओ बेलडम बेलडम, घर में कोई है नहीं क्या? नहीं है घर में शायद से, कोई है नहीं। ये क्या है भाई, यहाँ पे कहीं पे जा सकते हैं? नो, तो मैंने बोला था कि आज मैं घर को एक्सप्लोर नहीं करने वाला हूँ, बट गाइस मुझे आज ही एक्सप्लोर करना पड़ रहा है, बिकॉज गाइस और कोई उपाय ही नहीं है, मेरे को जगह ढूंढना है जहाँ पे मैं अपने पोकेमॉन को रेस्टोर कर सकता हूँ। ओ पोकेमॉन सेंटर आई थिंक, वुड यू लाइक टू डू रेस्टोर माय पोकेमॉन? ऑलराइट फाइनली गाइस, मिला 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 यस।
मिला गाइस एक ऐसा जगह जहां पे हम लोग पोकेमन को रेस्टोर कर सकते हैं। अभी हम लोग मैक्स लेयर में जा सकते हैं, ठीक है। Approximately 10 hours later. Finally guys, मुझे मैक्स लेयर का लोकेशन मिल गया ब्रो। ये है मैक्स लेयर का लोकेशन यार। उफ, फाइनली गाइस, बहुत ढूंढने के बाद मिला गाइस। इस बार और कहीं नहीं जाएंगे, इधर ही जाएंगे, ठीक है। और देखते हैं गाइस केव में कौन कौन से पोकेमन हम लोग को दिखाई देगा। और देख सकते हो यहाँ पे पियोनी है, पियोनी भी है, और यहाँ पे बहुत सारे पोकेमन ट्रेनर्स भी दिखाई दे रहे हैं जिनके साथ मुझे फाइट करना है। प्लीज सर, आई कैन लेट यू, ओके? ओ आई थिंक यू कैन, माई प्रीशियस डॉटर इज इन डियर एंड आई एम गोइंग इन आफ्टर हर, ओके? आई अंडरस्टैंड सर, बट व्हाट, आई एम हियर टू हैव एन एडवेंचर, आई वॉन्ट टू किक इट ऑफ राइट नाउ। तो गाइस पियोनी तो अंदर चला गया, अभी मुझे अंदर जाना है। वुड यू लाइक टू एम्बर्क अपॉन ए डायनेमिक्स एडवेंचर, ओके? यस प्लीज, ओके। वुड यू लाइक टू सेव योर एडवेंचर सो फार, यस सेव करते हैं गाइस। देखते हैं गाइस ये डायनेमिक्स एडवेंचर आखिर होता कैसा है, ठीक है, क्या है चीज़ ये, क्या यू आर स्टिल न्यू टू डायनेमिक्स एडवेंचर, सो वी सजेस्ट ट्राइंग देम अलोन, ओके? अलोन करना पड़ेगा कुछ। ओ यहाँ पे कुछ पोकेमॉन से क्या चूज करना पड़ेगा मेरे को? ओ यहाँ पे हम पोकेमॉन्स को चूज कर सकते हैं, मतलब अपने पोकेमॉन को ले नहीं जा सकते गाइस। कुछ तो बहुत अलग है गाइस, कुछ बहुत ज्यादा अलग होने वाला है, देखते हैं। व्हाट इज दिस, ये क्या है? ओ यहाँ पे वाटर में कुछ है गाइस, देख सकते हो, वो एक लेजेंडरी टाइप पोकेमॉन होने वाला है गाइस। तो एक काम करें, पहले आइस में जाऊं कि ड्रैगन में जाऊं? कंफ्यूज हो रहा हूँ, आइस टाइप वाला पोकेमॉन कौन सा होने वाला है? ये तो अल्टेरिया है, तो गाइस पहले ड्रैगन में जाते हैं, चलो गाइस, क्योंकि ड्रैगन टाइप पोकेमॉन जितना पकड़ेंगे उतना ही अपना टीम भी स्ट्रांग बनेगा ना। चलो ड्रैगन पकड़ेंगे फ्री, ओके गाइस हम आ गए। अभी हम लोग देखने वाले हैं एक डायनामिक्स अल्टेरिया को, देख सकते हो, अल्टेरिया को पकड़ लेंगे ब्रो, ये एक डायनामिक्स बर्ड पोकेमॉन है। तो आ गया यहाँ पे ब्लेजिकन, एंड गाइस मैंने आज तक ब्लेजिकन का डायनामिक्स फॉर्म नहीं देखा है, तो चलो देखते हैं गाइस। ऑल राइट, डायनामिक्स यूज करा मैंने, ओ नॉट वेरी इफेक्टिव, सारा का सारा मूव तो नॉट वेरी इफेक्टिव ही है, फिर भी गाइस मैं मैक्स फ्लेयर यूज कर रहा हूँ अल्टेरिया के ऊपर। यस गाइस, अभी आप सभी भाइयों को देखने को मिलेगा यहाँ पे डायनामिक्स ब्लेजिकन, ठीक है, ये है अपना डायनामिक्स ब्लेजिकन ब्रदर। ओहो, मजा आने वाला है गाइस, देखते हैं, ये देख सकते हो गाइस, वो भाई ब्लेजिकन तो कतई ऑसम लग रहा है यार। थंडर वेव यूज करा मिल टैंक ने, ओ अल्ट्रा पैरालाइज हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं गाइस आउटरीच, ड्रैगन टाइप मूव, फटका और ज्यादा पड़ना चाहिए थे लेकिन उतना नहीं पड़ा। मैं मैक्स प्लेयर यूज कर रहा हूँ गाइस, मैक्स प्लेयर से कितना फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा गाइस, कैसे पड़ेगा ड्रैगन टाइप मूव ड्रैगन टाइप पोकेमॉन के ऊपर यार। ओके देखते हैं अभी इसको कैसे हराएंगे गाइस, हराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा गाइस। अभी देख सकते हो गाइस ये लाइव स्क्रीन जैसा कुछ यूज करा, ओके ओके, स्पेशल मूव थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। अभी ड्रैगन पल्स यूज करा मेरे ऊपर गाइस, ओके, तो मेरा स्पीड बूस्ट हो गया जैसे कि देख सकते हो, ब्लेजिकन स्पीड बूस्ट। ओके गाइस अब क्या करूँ गाइस, मैक्स नकल यूज करूँ क्या? मैक्स नकल इज ऑल्सो नॉट इफेक्टिव गाइस, अभी जो कुछ कर सकता है गाइस कंगास खान ही कर सकता है, उसके पास आउटरीच है। मैंने मैक्स नकल तो यूज कर, देख सकते हो गाइस थोड़ा थोड़ा करके जा रहा है गाइस, थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है गाइस हेल्थ। ऑलराइट, जल्दी जल्दी इसको हराओ यार, जल्दी इसको हराओ, देखते हैं। मेगा किक यूज करा मिल्टैंक ने, ओ थोड़ा सा फटका दिया, अब आउटरीच से इसको फटका पड़ने वाला है, बहुत बहुत बढ़िया, हरा ही दिया गाइस, हरा ही दिया, यस। ओ नहीं हरा क्या, ओ नहीं थोड़ा सा रह गया, अब तो हार जाएगा गाइस, अगले वाले मूव में हार जाएगा सर, यस गया। अल्टेरिया को अब पकड़ लेंगे ब्रो, मेरे को लगा था ये बैटल बहुत डेटा लास्ट करने वाला है, बट गाइस ये बैटल बहुत डेटा लास्ट नहीं करा। थ्रो ए पोकेबॉल नाउ, यस पोकेबॉल फेंकते हैं, अल्टेरिया को पकड़ लेते हैं। ये गाइस मेरा आई थिंक पांचवा नंबर ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है, पांचवा नहीं, ये सिक्स या सेवन ड्रैगन पोकेमॉन है मेरी टीम में शायद से, ठीक है कैलकुलेट करना पड़ेगा। अल्टेरिया को पकड़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं, चलो आई वॉन्ट टू स्वाप पोकेमॉन, स्वाप करूँ क्या? आई एम गुड विद हिट करते हैं, चलो गाइस स्वाप नहीं करेंगे, अभी ब्लेजिकन लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब एक मिनट गाइस, अब घोस के तरफ जाऊँ कि ग्रास के तरफ जाऊँ गाइस? साइकिक के तरफ, साइकिक के तरफ भी जा सकते हैं, एक काम करते हैं ग्रास के तरफ जाओ, घोस के तरफ जाते हैं, चलो गाइस घोस के तरफ ही चलते हैं, क्योंकि ग्रास के तरफ हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि क्यों नहीं जा सकते ग्रास के तरफ, क्योंकि अगर हम लोग आइस से आते तब हम लोग ग्रास के तरफ से जा सकते थे, पर अभी नहीं। यू कैन हैव योर पोकेमॉन होल्ड वन ऑफ आइटम, फोकस बैन ही यूज करते गाइस, ओके मैंने फोकस बैन दे दिया इसको। अब देखते हैं ये घोस वाला पोकेमॉन कौन सा होने वाला है, ओ वाओ
ये जो है गाइस फ्रॉस्ट लास्ट, ये गाइस स्नोरन का विकसित फॉर्म है, ठीक है, इवोल्यूशन फॉर्म है, लेकिन गाइस फीमेल स्नोरन का, ठीक है, फीमेल स्नोरन से फ्रॉस्ट लास्ट बनते, तो फ्रॉस्ट लास्ट को तो सुपर इफेक्टिव पड़ने वाला है ब्लेस की कप। वो मैंने डायनामिक्स कराई नहीं यार, मैंने गाइस डायनामिक्स नहीं करा, चलो कोई भी डायनामिक्स नहीं करने से भी आई थिंक एक ही फटके में उड़ा ही दूंगा, देखते हैं गाइस। ओके हीट वेव यूज़ कर रहा है, ओके हीट वेव से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। अब लक्सरे कौन सा वाला मूव यूज़ कर, अच्छा मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। ओ देखो गाइस अब मैं डायनामिक्स हो जाऊँगा, ठीक है। वैसे गाइस यहाँ पे डायनामिक्स नहीं हो जाने से भी काम चल ही जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक टेरेन, ओके लक्सरे के कारण से हो रहा है गाइस। ओके एक इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड क्रिएट हो चुका है। अब गाइस मैं दोबारा से यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे आई थिंक। ओके गाइस मैं काम करता हूँ क्या। ओके गाइस मैं इस बार फायर प्लेज यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, फायर प्लेज यूज़ करने वाला हूँ। यस फटका तो पड़ा, अगर मैं डायनामिक्स कर लेता तो एक ही फटके में उड़ा देता शायद से फ्रॉस्ट लैस को, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, हार ही चुकी है। देखो गाइस फ्रॉस्ट लैस तो हार ही चुकी है, तो फ्रॉस्ट लैस को पकड़ लेंगे ब्रो, एक एक पोकेमन को पकड़ेंगे, जितने भी हमको यहाँ पे डायनामिक्स पोकेमन देखने को मिलेगा सारे के सारे को पकड़ने वाला हूँ, ठीक है। ओके आ जाओ तुम भी। आ गया गाइस, आ गया फर्स्ट लेस, आ गया एक ही बार में आ गया गाइस। ओके ओ वाटर फाइनली गाइस, यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। अब ये कौन सा वाला लेजेंडरी पोकेमन होगा कि क्या होगा पता नहीं। ला गाइस ये एक लेजेंडरी पोकेमन ही होने वाला है, और मैंने वाटर क्यों, ओ माय गॉड सुईकून गाइस फाइनली एक लेजेंडरी पोकेमन, फाइनली इस गेम का मेरा मतलब ऑफिशियल लेजेंडरी पोकेमन। अरे मैंने गलत करा ना गाइस, मेरे को प्लेजिकन नहीं लेना चाहिए था, फिर क्लोज कॉम्बैट यूज करना पड़ेगा। सुईकून ब्रदर मजा आने वाला है ब्रो, मजा आने वाला है। ओके ये पैरालाइज हो गया गाइस। अरे ब्रो सुईकून है यार सामने, क्लोज कॉम्बैट यूज करा इसको फर्क नहीं पड़ रहा ब्रो, ये गाइस लेजेंडरी वाटर टाइप पोकेमन है। अरे भाई साहब लाइट स्क्रीन यूज करा, अब हमारा मूव थोड़ा सा स्ट्रांग बन जाएगा, ठीक है। यस स्पेशल मूव थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा, ये देख सकते हो फ्रॉस्ट लैस तो गया ब्रो, फ्रॉस्ट लैस गया, यस फ्रॉस्ट लैस गया। द स्टॉर्म रेजिंग अबव यू इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। ओके गाइस मैं वाटर टाइप मूव यूज करके कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा इसको, गाइस डायनामिक्स तो यूज कर ही नहीं सकते, देख सकते हो एक ही बार है और एक बार आएगा तो यूज कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, क्लोज कॉम्बैट यूज करना पड़ेगा। जल्दी से इसको हराओ यार। ओके थोड़ा सा फटका पड़ा यार, कमान मिल्टेंग तुम कर सकते हो, प्लीज मिल्टेंग हराओ हराओ। मेगा किक यूज करा इसके ऊपर, अवॉइड कर दिया यार। ओके लक्सरे कमान, लक्सरे ही कुछ कर सकता है, ठीक है। अभी लक्सरे अगर कुछ इलेक्ट्रिक टाइप मूव यूज करेगा सुईकून के ऊपर, तब सुईकून को बहुत ज्यादा डैमेज मिलने वाला है, ठीक है। ऐसे तो नहीं तो नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला, ठीक है। बाप रे गाइस ब्लेजिकन का हेल्थ देख सकते हो, मेरे को हरा ही देगा क्या ये, मे भी हार ही जाएंगे ब्रो। ओ ये डायनामिक्स कर सकते हैं ना, तुम करो ना, एमेलिया तो डायनामिक्स कर सकती है यार, और फ्रॉस्टलेस दोबारा से आ गई है यहाँ इधर, कीट कैन डायनामिक्स ना हो देख सकते हो, मैं भी थोड़ी देर बाद डायनामिक्स तो कर सकता हूँ। अब क्या करें ब्रो, फायर ब्लेज ही यूज करना पड़ेगा सुईकून के ऊपर, प्लीज यार इसको जल्दी से हराओ यार, नहीं तो मैं हार जाऊंगा, देख सकते हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा यार। ओके शैडो बॉल यूज करा, नहीं इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, प्लेयर ऑफ यूज करा, सुईकून अवॉइडेड द अटैक, राइजिंग वोल्टेज। ओके देख सकते हो अभी लक्सरे ही कुछ कर सकता है, ठीक है अभी सिर्फ लक्सरे कुछ कर सकता है। अरे ओके गाइस मैं अभी डायनामिक्स कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है अभी मैं डायनामिक्स हो सकता हूँ तो डायनामिक्स हो लेते हैं गाइस, डायनामिक्स होकर मैक्स प्लेयर ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं डायनामिक्स से मेरा हेल्थ कितना बढ़ेगा। ऑलराइट हमें सुईकून को हराना है यार गाइस, ये तो काफ़ी शक्तिशाली बैटल हो रहा है यहाँ पे, काफ़ी मतलब स्ट्रांग बैटल हो रहा है, ठीक है। ओके गाइस ओके गाइस मेरा हेल्थ देख सकते हो सिर्फ 25 ही है, थोड़ा सा भरा सिर्फ थोड़ा सा। ओके क्या हो रहा है अभी यहाँ पे,
सो यू कैन नलीफाई द स्टेट्स एंड एबिलिटीज ऑफ अदर पोकेमॉन. एक्सट्रीम स्पीड यूज कर रहा है. ओ भाई ये चाहिए मेरे को. प्लीज जल्दी से हराओ यार, थोड़ा सा हेल्थ ही रह गया है यार. प्लेयर ऑफ यूज कर रहे. ओके लक्स रे. ओके मैम एक्सप्लेयर यूज कर रहा हूँ इसके ऊपर. कितना फर्क पड़ेगा? थोड़ा करके भी अगर इसको हरा देते हैं तब तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन अगर मैं मर जाऊंगा तब दिक्कत का बात हो जाएगा. फिर से शायद से एकदम पहले से आना पड़ेगा शायद से. ठीक है ओके राइजिंग वोल्टेज यूज करा. हरा दिया ब्रो. कमन प्लीज हरा दो. थोड़ा सा रह गया है, अब हार ही जाएगा. ये हार जाएगा. जल्दी से हराओ इसको. कमन कोई भी मूव यूज करोगे तो ये हार ही जाएगा, तुरंत हारेगा. ठीक है क्विक क्लॉ यूज करा स्विकन के ऊपर ना. गया स्विकन. ओरे थोड़ा सा हेल्थ अभी भी है. अब जाएगा. फाइनली गाइस एक लेजेंडरी पोकेमॉन. यस फाइनली गाइस एक लेजेंडरी पोकेमॉन. इसको तो मैं पोकेबॉल से तो पकड़ ही नहीं पाऊंगा, भाग जाएगा. मुझे अल्ट्रा बॉल यूज करना ही पड़ेगा ब्रो. यस गाइस आ गया है अल्ट्रा बॉल और मैंने फेंका है इसके ऊपर. अब आ जाओ यार स्वीकोन, यार मेरा पहला ऑफिशियल लेजेंडरी पोकेमॉन यार. बाकी सब तो मुझे ट्रेड में मिले हैं यार. ये तो मैंने खुद से पकड़ा है ना ब्रो. खुद से पकड़ने की खुशी अलग ही होती है ब्रादर. आया. यस आ गया. फाइनली. स्वीकोन वॉज कॉट गाइस. यस आप देख सकते हो हमने ये सारे के सारे पोकेमॉन्स पकड़े हैं. ठीक है स्वीकोन वीजिंग फोसलेस, कितने कमाल के पोकेमॉन्स पकड़े ना आज. आर यू फाइन विदाउट टेकिंग ए न्यू पोकेमॉन? अच्छा ओ एक ही पोकेमॉन चूज करना पड़ेगा क्या? तो ऑब्वियसली स्वीकोन को ही चूज करेंगे ना. यस तो गाइस एक ही पोकेमॉन को लेके जा सकते, ये तो गलत ही सीन है गाइस. मुझे लगा था कि मैंने सारे का सारा पोकेमॉन पकड़ लिया, बट हमने तो सिर्फ एक ही पोकेमॉन को पकड़ा. इसको बाद में ऐड कर लेंगे अपने पार्टी में. ठीक है कुछ फिर से हो रहा है. ठीक है ये क्या हो रहा है? मैं कहां पे जा कहां रहा हूं? और निया हैंग ऑन, आई रिकॉग्नाइज यू. ये पियोनी की बेटी है. आर यू हियर फॉर डायनामिक्स एडवेंचर 2? वी कैन गेस वी आर ऑन द सेम वेवलेंथ. ओके आई एम पियोनी, नाइस टू प्रॉपरली मीट यू. ओके व्हाट अबाउट यू, व्हाट्स योर नेम? आई एम बोल्ट. वाह ओके Wow, what a perfect name for you. Array, wow, thank you. It really suits you. So is my dad on his way here too? I haven't seen him. He has got turned around and wound up back at the entrance. Okay, listen, sorry for using you to distract my old man back there. He is as stubborn as mud. Things go all right after I left. Okay, ye abhi chalne wale apne pita ke paas. What, you beat my old man? You sure pulled a blinder there? ओके ये खुद शौक है कि मैंने इसके पापा को हरा दिया है, क्योंकि इसके पापा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है ना, इसलिए. ही यूज टू बी जिम लीडर यू नो, इवन ऑन हॉलीडेज ही हैज नो पुश ओवर. ओके तो ये चली गई. यू नो माई डैड वॉज गोइंग मैड विद एक्साइटमेंट फॉर दिस ट्रिप. ही कैप गोइंग ऑन अबाउट हाउ ही प्लान फॉर अस टू चेक आउट लोकल लेजेंड्स ऑन दिस सुपर इंटेंस एडवेंचर टूर ऑन एडवेंचर टूर एज ही कॉल्स इट. ओके बट आई मीन कम ऑन, व्हाट गर्ल माई एज वुड बी कॉट डैड doing some naff thing like that with the hard dad. Besides, I really fancy having more battles with dynamics Pokemon. Okay, the thrill of battling one of those massive towering Pokemon, just think about it gets me pumped. Hehe. Okay, you know what, I have just had a thought. You are pretty fierce trainer, right? Then I bet you could handle taking my place on my old man's adventure tour. Sounds great fun. Haan, hum log Peony ke saath ja sakte hain, to iske jagah main hi chala jata hu na. Too right, it does. It's brilliant idea. If I do say so myself, he's so hype up about all this. It would be a shame just to leave him on his own. हाँ अकेले जाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा ना, क्योंकि इनके पापा ने बहुत मतलब प्लान करके आए थे यहाँ पे. अब मैं ही जाने वाला हूँ पियोनी के साथ. एंड हु नोज, यू कुड एंड अप टर्निंग इन टू ए लेजेंडरी पोकेमॉन. अरे मेरे को एक लेजेंडरी पोकेमॉन मिल ही चुका है. हाउ अबाउट आई मीट बैकअप विथ यू टू आफ्टर आई हैड माई ओन फन इन द मैक्स लेयर. ओके गो ऑन देन, एन्जॉय योर Do some tour of legends. Okay, tell my old man the deal and all that. Okay. तो गाइस हम लोग केव के बाहर की तरफ आ गए. पियोनी मेरे को बुला रहे ओए करके. ओके
देख सकते हो ये तो सोया पड़ा है शायद से, ये क्या कर रहे है? सो रहा है गाइस पियोनी, देख सकते हो। तो गाइस आज के एपिसोड में बस इधर टके रखते हैं, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे और कौन कौन से लेजेंडरी पोकेमॉन मिलने वाले हैं, ठीक है। हम क्राउन टुंड्रा के दो तीन लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़ के हम लोग चैंपियन ट्रॉफी के तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एंड गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो, यहां तक अगर देख लिया, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने बोल भाई को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं गाइस अगले एपिसोड में, तब तक लेगा आप लोग अच्छे से मजा बढ़ाओ। बाय बाय, टेक केयर, सायो नारा।